तो नकुलनाथ तो पहले ही काउंटिंग सेंटर से बाहर चले गए थे और कमलनाथ का बयान भी आ गया था कि जो है सो है, क्या कर सकते हैं, देखना होगा। और कमलनाथ का यही जो एटीट्यूड कह लीजिए, नजरिया कह लीजिए, कि उनका जब उनकी सरकार गई तब भी उन्होंने कहा जिसको जाना है तो जाए। विवेक बंटी साहू ने बड़ी जीत छिंदवाड़ा में हासिल की है और बहुत ही बड़ी खबर है ये तो। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार, यही मैं आपको कुछ सेकंड पहले बता रहा था। एक अभेद्य किले में जिसके बारे में कहा जाता था कांग्रेस के नाम से, कमलनाथ के नाम से यहां किसी को भी खड़ा कर दीजिए, ऐसा शब्द भी कहा जा सकता था जो गरिमापूर्ण नहीं है, वो जीत जाएगा कमलनाथ के नाम पे। उसी किले को बीजेपी के संगठन ने ढहा दिया, न सिर्फ ढहाया बल्कि बुरी तरह ढहाया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार और मेरा ख्याल है पढ़ना तकरीबन 3 घंटे पहले ये लीड 2 लाख की थी तकरीबन। तो जिस तरह से आपने कहा कि छिंदवाड़ा में किसी को भी खड़ा कर दीजिए कमलनाथ के नाम से, वो जीत जाएगा, लेकिन कमलनाथ के बेटे को ही नकार दिया गया। और कुछ देर पहले मेहमान जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए खुलकर बड़े नेताओं ने कमलनाथ से कहा कि आपसे दिक्कत नहीं है, आपके बेटे से दिक्कत है। और यहां कमलनाथ को प्रचार में के लिए छिंदवाड़ा तक ही सीमित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा ये गढ़ कमलनाथ नहीं बचा पाए। अब मंथन करना होगा, क्या कांग्रेस की एक पंक्ति के एक नेता ऐसे भी है जो चाहते थे कि कमलनाथ हार ही जाए ताकि उसके बाद बात हो सके कि आपने कितना क्या बिल्कुल किया। क्योंकि कांग्रेस दरअसल कांग्रेस नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं है, कमलनाथ कांग्रेस है। जब तक ज्योतिरादित्य थे ज्योतिरादित्य कांग्रेस थी, फिर एक अजय सिंह कांग्रेस थी, फिर एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस है और अब एक जीतू पटवारी कांग्रेस है, एक उमंग सिंघार कांग्रेस है। ये इस वजह से भी, ये राजनीति का विश्लेषण है, ये इस वजह से भी हम आपको मुख्यमंत्री साय यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, देखते हैं क्या कहते हैं। अनुमति आप सबकी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का भाजपा कार्यालय आगमन हुआ, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर आप सबको संबोधित करेंगे। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी सबका मार्गदर्शन मिला, सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं।
देश भर में बीजेपी बहुमत के हमसे थोड़ी पीछे रह गई है, एनडीए जरूर बहुमत ला रहा है, इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे मतलब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी आपने उड़ीसा का भी दौरा किया था, वहाँ रिजल्ट अच्छा आया, क्या कुछ वहाँ इफेक्ट पड़ा है? देखिए उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, हमारे प्रदेश के और बहुत सारे नेता भी गए और वहाँ भी मोदी की गारंटी का जादू है, वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ पर बीजेडी की सरकार चल रही थी उससे वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया, लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। सर पिछली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोग को आशीर्वाद दिया है। अब अंतिम आंकड़े तो अब काउंटिंग पूरी होने दीजिए, वो तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सायरन आपने सुन लिया होगा, जानकारी अब हम आपको बता देते हैं। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल, मोहन भैया जीत गए और सवाल यहां भी दरअसल जीत का था नहीं, उनके सामने थे विकास उपाध्याय, टीम राहुल के वो मेंबर भी माने जाते हैं, विधायकी अपनी वो बचा नहीं पाए और ब्रजमोहन अग्रवाल न सिर्फ उन्हें मंत्री पद मिला था, विधायक बने थे, बल्कि लोकसभा का मौका भी उन्हें मिला और ब्रजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की। कितने हैरत की बात है कि करीब 2 दशक पहले यही ब्रजमोहन अग्रवाल आज भाजपा के जो सबसे बड़े ब्रांड हैं उनके खिलाफ खड़े हुए थे और आज यही ब्रजमोहन अग्रवाल जीत कर संभवतया उनके कैबिनेट में या उनके उनकी अगुवाई में संसद में बैठेंगे। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीते और उस बात को साबित कर दिया सबसे बड़े खवैया ब्रजमोहन भैया। रायपुर से जीत हासिल कर ली है ब्रजमोहन अग्रवाल ने और बात जीत 84 लकमा हार गए हैं, लेकिन बड़ी खबर 84 लकमा बस्तर से लगातार प्रचार के दौरान बहुत सुर्खियां उन्होंने बटोरी और बड़ा ये कांटे का मुकाबला लगातार चलता रहा बस्तर में। आखिरकार कांग्रेस के 84 लकमा हारे, सामने कौन है? सामने दरअसल जो है, अगर बतौर आदिवासी आप उसे देखेंगे तो कश्यप ऐसे नजर आएंगे, बहुत सहज हैं, सरल हैं, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने उन इलाकों, महेश कश्यप जिस तरह से महेश कश्यप ने उन इलाकों में काम किया है उनकी बहुत गहरी पैठ मानी जाती है, यही वजह है 84 लकमा हार गए। 84 लकमा ने कहा भी था, गया था दिल्ली अपने लिए, बेटे के लिए बहू लेने, लेकिन यहाँ दुल्हन हमें पकड़ा दी गई, लेकिन लगता है कि दुल्हन ने ही रिजेक्ट कर दिया। महेश कश्यप जीत गए हैं बस्तर सीट से, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 84 लकमा की ये हार हुई है और लगातार अब तस्वीर साफ हो रही है पूरी पूरी तरह से। रायपुर में बात लीड की थी, बस्तर में जीत की तरह देख रही थी।
और जगदीश देवड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और लगातार एक्टिव भी आपको नजर आया जगदीश देवड़ा साहब, और चूंकि 29 के 29 की माला है तो उनके चेहरे पर भी खुशी है। देवड़ा साहब सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, और आखिरकार 29 में से 29 जो आपका टारगेट था वो लगभग पूरा होने जा रहा है, आपका रिएक्शन सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को चुनाव में जिताया है। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है और उनका मार्गदर्शन है और उनको जो आशीर्वाद दिया है देश की जनता ने, यह उसी का परिणाम है। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई है जी। जगदीश जी, मध्य प्रदेश में तो मिशन 29 पर आपने फतेह पा ली, लेकिन अगर हम बाकी राज्यों के रिजल्ट पर भी अगर गौर कर ले, वहां की तस्वीर भी देख ले, तो आशीर्वाद देने में जनता थोड़ी कंजूसी दिखा गई है। कुल मिलाकर के एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है, देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर आशीर्वाद देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया है, यह सबसे ज्यादा प्रसन्नता और खुशी की बात है। और तो प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय देती है उसको स्वीकार करते हैं जी। आप हालांकि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन जैसे कि अपर्णा भी जिक्र कर रही है कि देश में थोड़ी सी स्थितियां अलग बदली, खासतौर पर यूपी वगैरह में, कहां आपको लगता है क्या 400 पार का नैरेटिव आपके कार्यकर्ता को थोड़ा आलस भरा कर गया देवड़ा साहब? ये राजनीतिक परिस्थितियां है और प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय करती है उसको मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए। ये विषय है कि भाई मंथन का विषय है, ये हम करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन इस समय देश में फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में मार्गदर्शन करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत नंबर एक पर आएगा। यह जो संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम होगा। जगदीश जी, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश तो कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस युक्त बीजेपी भी मध्य प्रदेश में नजर आई इस लक्ष्य को हासिल करने में, लेकिन खैर इतनी बड़ी अब जीत मिली है मध्य प्रदेश के अंदर, तो जो कांग्रेसी आए हैं ना बड़ी बड़ी संख्या में आपकी पार्टी में, अब उनको एडजस्ट करने का दबाव भी तो होगा ना, क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है? वो काम करेंगे सरकार के साथ रहकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आए हैं तो उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है और पार्टी के साथ मिलकर के जनता की सेवा में वो लगेंगे जी। जी, आप तजुर्बेकार नेता हैं, खास तौर पे तलवारबाजी भी हमने आपकी देखी है, लट चलाना भी हमने आपका देखा है, हालांकि ये कांग्रेस का अपना मामला हो सकता है, फिर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक तरह से कांग्रेस के लिए बुरी परिस्थितियां हैं देवड़ा साहब। ये कांग्रेस के नेताओं ने, जो भी दिग्गज नेता है जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होंने इस मध्य प्रदेश में क्या काम किया है ये सारा जनता को मालूम है और इसीलिए जनता ने उनको परिणाम दिया है। अब उनको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। जनादेश आपके फेवर में आया सर, बड़ी परीक्षा विधानसभा की आपने पास की पूरे मेरिट के साथ, लोकसभा में 29 की 29 सीटें, शानदार प्रदर्शन, अब मध्य प्रदेश जनता चाह रही होगी कि अब पूरा फोकस उन पर रहे आपकी सरकार का, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कुछ खास सही नहीं है। आर्थिक स्थिति प्रदेश की मुझे लगता है कि ठीक है और किसी भी प्रकार की कमी मध्य प्रदेश की सरकार में नहीं आएगी, विकास के काम निरंतर होंगे और जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रारंभ की थी उनको हम निरंतर प्रारंभ रखेंगे और मुझे लगता है कि आर्थिक संकट हम बिल्कुल नहीं आने देंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर इस जीत के लिए, मध्य प्रदेश में इस प्रचंड जीत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जगदीश देवड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर का अपडेट, बस्तर का अपडेट, बस्तर से कांग्रेस के कवासी लखमा हार गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के मोहन भैया जीत गए हैं, और जो कांग्रेस की उम्मीदें हैं अभी भी हालांकि छत्तीसगढ़ में एक सीट पर बनी हुई हैं, लगातार वो एक सीट कांग्रेस उसमें लीड करते जा रही है। ये एक बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से बीजेपी के सांसद दोबारा विश्वास दिखाया गया था लल्लू सिंह पर। राम मंदिर का मुद्दा फैजाबाद में ही नहीं चला, बड़ी बात, जिस राम मंदिर के जरिए द्वार आगे के खोलने का लक्ष्य रखा गया था, उसी फैजाबाद की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को नकार दिया, लल्लू सिंह हार गए। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो, पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है। तो ये एक बड़ा अपडेट, हालांकि विदिशा से जीत गए, तकरीबन 8 लाख से ऊपर की लीड बताई जा रही है शिवराज सिंह चौहान की। और एक जो बड़ा अपडेट हमने आपको दिया, भगवान के घर में ही बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाई, लल्लू सिंह हार गए हैं। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र सलूजा साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। सरमन नंगेले राजनीति की बारीक लकीरों को खींच निकालते हैं, बहुत स्वागत। नितिन भंसाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंसाली साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। और अब चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र सलूजा साहब, बंपर जीत मध्य प्रदेश में, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, देश में क्या हो गया? देखिए, बात करें तो हमने नारा दिया था अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में हमने नारा दिया था मिशन 29, उसमें हम सफल दिख रहे हैं। हाँ, जहां तक यदि बात करें, मैं थोड़ा सा करेक्शन है, अब की बार 400 पार, एक ये नारा था। दूसरा, पोद्दार साहब का मैं नाम लेना भूल गया था, पोद्दार साहब आपका बहुत स्वागत, मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, बहुत स्वागत है आपका, प्लीज सलूजा साहब जी। हमने नारा दिया था एक बार फिर से मोदी सरकार, तो फिर से मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ, जो यदि 400 पार के नारे की बात है तो अभी देखिए पूरे परिणाम आए नहीं है, सीटों का आंकड़ा देखे आप, अंतर देखिए, बढ़ रहा है घट रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती जा रही है, एनडीए की सीटें बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की जो एनडीए गठबंधन की सीटें वो कम होती जा रही है। अभी 234 आपके चैनल पर दिखाई जा रही थी थोड़ी देर पहले, अब 231 तक आ गई, तो ये फाइनल आंकड़ा आ जाए उसके बाद हम इस पर ऊपर जरूर टिप्पणी भी करेंगे कि वास्तविक आंकड़ा हमारा लक्ष्य से कितना दूर रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम निर्धारित लक्ष्य को पा सकेंगे। क्लीन स्वीप भले ही कर लिया सलूजा जी मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ में नतीजे आपके ही फेवर में हैं, लेकिन देश भर की तस्वीर पर तो गौर करना ही होगा ना, जहां बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावे। दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल जीत गए हैं, ये एक और खबर, तस्वीर दुर्ग की जहां बीजेपी के विजय बघेल ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन सलूजा जी, तस्वीर को जो आप इंतजार कर रहे हैं फाइनल होने का, कल रात तक तो नहीं लग रहा था कि ऐसा होने जा रहा है, कि इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके तकरीबन करीब ही रहेंगे एग्जिट पोल के आंकड़े। और आप देखिए, ऐसा नहीं कि हम कुछ राज्यों के अंदर यदि हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं, तो कई राज्यों में हमारी सीटें बड़ी भी है, उड़ीसा में बड़ी है, हम यदि बात करें तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ हम भारी जीत की ओर अग्रसर हुए हैं, कर्नाटक में भी हम जीत। धन्यवाद किया आपको, जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट देने के लिए। एक और मुद्दा है जिसके बारे में मेरे दोस्त बोलेंगे, मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बोल दूँ। We went to the election commission at short notice to convey a concern of ours. It was more a concern, less a complaint. We are very happy that they gave us time at very short notice. They heard us patiently. The main issue was about not updating parliamentary constituency data round by round in terms of votes counted and the results of that round. However, it was clarified that it is done assembly segment wise. As you know, these are not assembly elections. But the statistics are counted and updated assembly segment wise. So if a parliamentary constituency has averaged 7 assemblies, then it is done each round in each assembly segment wise. Now the problem was explained to us is that different assembly segments follow different speeds of counting and also of updation, which is why there is a lack of synchronism
for the parliamentary constituency as a whole. In any case, the Election Commission has assured us that without all this technicality, they are again going to give very strict instructions that counting and updation round-wise at the assembly segment level shall be the fastest and the most prompt as possible. We are happy if that happens, and I think the matter would be resolved. Only a few hours are left for the elections, and we don't want to create unnecessary question marks. So long as this direction to immediately A, to count fast, and B, to promptly disclose the counting round for each segment. There is a second issue. My friend will address you on that about Sonipat. Ji, aap sab ka swagat hai. Dhanyavaad Singh ji. Ek chhota lekin mahatvapurna ek vishay tha. Ek chhota छोटा परंतु महत्वपूर्ण एक विषय था और वो सोनीपत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के संबंध में था। वहाँ दो असेंबली सेगमेंट्स हैं, एक सफ़ेदो है और दूसरा है बरोड़ा। वहाँ पर दो बूथ ऐसे थे जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वो ईवीएम्स बिगड़ गए हैं और इसलिए वो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। तो हमको ये बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ भी ऐसा होता है तो वो स्लिप्स की काउंटिंग कर दी जाती है, और अगर नहीं भी हुआ हो तो जब अंतर आता है, अंत में जो अंतर आता है, अगर वो कम हो तो उन स्लिप्स की काउंटिंग जो है वो पक्की कर दी जाती है, ताकि कहीं पर ये संदेह ना रहे कि पूरे वोट काउंट नहीं हो पाए। हमने उनसे आग्रह किया कि इसको चेक कर लें, रिपोर्ट मंगा लें, ताकि कोई संदेह ना बचे और वहाँ के लोग जिन्होंने हमको ये बात पहुँचाई थी वो संतुष्ट हो जाएँ। It's a small thing, but an important thing, because although only two booths are involved, two booths of two constituencies in Sonipat parliamentary constituency, one is Baroda and the other one is Safiro. And there was some issue there that because the EVMs had developed a fault, the counting could not be done, and for that the Election Commission was kind enough to explain that where this happens, we already have instructions, we will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted. So we have come back fairly satisfied, and we are happy that the Election Commission has cooperated with us in these matters. Thank you. Thank you. सुन रहे थे आप सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंह, चुनाव आयोग। और बाकी वो एक्शन अभी देंगे, आदेश देंगे। हाँ, आंसर है यस। सर, अभी और भी शिकायतें चुनाव आयोग से की गई हैं। कुछ देर पहले सुप्रिया सिन्हा जी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलाधिकारियों को जो आरोप हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार चल रही है, अभी भी इस तरह की कोशिश हो रही है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। देखिए, इस पर हम लोग हम इस संदर्भ में इस बात को पहले उठा चुके हैं, क्योंकि एक ये पूरी समस्या बहुत गंभीर लगती है, और इस पर सिंघवी साहब ने पहले जब हम यहाँ आए थे तो पूरी बात को रखा था। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण हमसे मांगा था, जो हम समझते हैं कि अब परिस्थितियों में उसको कुछ देना या उस बात को आगे बढ़ाना कोई उचित बात नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ हमारे कोई भी साथी इस संदर्भ में गंभीरता पूर्वक इस काम को लेकर आए थे, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सबको संतुष्ट कर दिया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कांग्रेस के इन दो वरिष्ठ नेताओं को, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद, यहाँ पर चुनाव आयोग के पास अपने कुछ डाउट्स को लेकर पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने सुना है, शॉर्ट नोटिस पर सुना, उसकी तारीफ भी कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे डाउट्स को क्लियर करने का जो आश्वासन है चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है, ताकि जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं उनके मन में कोई संदेह ना रहे। सरमन नगेले जी, सुना होगा आपने भी, सीधा कह रहे थे कि हम खाम खा के कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, कम से कम सुर तो बदले। देखिए, ये प्रणा जी, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, और जो सच्चाई भी है कि जो एक एग्जिट पोल के माध्यम से जो एक पूरे देश में एक संदेश गया था कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, तो वो कहीं कुछ कम हो गई है और अकेले बीजेपी 300 पार नहीं कर पाई है, तो इसके कारण से उनके सुर बदल गए हैं। देखिए, राजनीतिक दल के नेताओं के सुर समय के साथ बदलते रहते हैं, जो कि एक उनकी फितरत में है, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि भाई आप राजनेता हैं, आप अपने अनुकूल अपनी सुविधा के अनुसार यदि आपकी बातचीत नहीं होगी ना, तो आप तो इस तरह के सवाल उठाएंगे। तो ये कि है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो बात आ रही थी कि कलेक्टरों से बातचीत की तमाम, तो कोई एविडेंस नहीं है। विदाउट एविडेंस जो है ना, ECI कोई कार्रवाई नहीं करता है।
देखिए इसमें जो है ना ईसीआई बहुत निष्पक्ष है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, साफ सुथरे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने में सक्षम है और भारत का डेमोक्रेसी, भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बाहर की कंट्री के लोग वहाँ अध्ययन करने आते हैं तो वहाँ पर सवाल ठीक है कुछ खड़े हो जाते हैं लेकिन उसका आंसर भी मिल जाता है, जैसे कि सलमान खुर्शीद जी ने भी बताया कि उसका आंसर उनको मिल गया है। देखिए बात करते हैं पूरे एग्जिट पोल की या मध्य प्रदेश के संदर्भ की, तो देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन छिन्न भिन्न, बहुत पूरी तरीके से धराशायी और एक तरह से पूरा टूट चुका था और बीजेपी का संगठन एकदम उठ खड़ा हुआ था। पहले से भी मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है और मध्य प्रदेश में जो बीडी शर्मा जी ने लक्ष्य रखा था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि हम 58 से 10% वोट बढ़ाएंगे, वो बढ़ाने की स्थिति में पहुंच गए और कांग्रेस में कार्यकर्ता दल छोड़कर जा रहे थे, सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, भगदड़ का दौर चालू हो गया था, बची कुची कांग्रेस को लोग सहेज रहे थे, नेता अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त हो रहे थे, माननीय कमलनाथ, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह जी सीधी में और तमाम सारे नेता, तो इसके कारण मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था, बीजेपी का बहुत अच्छा था, इसलिए बीजेपी 29 सीट जीतने की स्थिति में पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और नितिन मंसाली साहब का भी रिएक्शन, पोद्दार साहब भी हमारे साथ, सर आएंगे आपके पास, नितिन मंसाली जी का एक रिएक्शन ले लिया जाए। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ ये स्थिति हो गई है कि पहले छत्तीसगढ़ के लिए दुख मनाया जाए या देश में जो जिस तरह से जनाधार बढ़ा उसके लिए खुशी मनाई जाए। मंसाली साहब क्या हुआ, देश की ईवीएम ठीक काम कर रही थी, छत्तीसगढ़ की ईवीएम ने कुछ गड़बड़ कर दी? बंसाली साहब देखिए, ये बार बार हम ईवीएम पे बात करने से बेहतर है मुद्दों पर बात करें तो ज्यादा बेटर है। ईवीएम के विषय पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने काफी बात कर ली। बंसाली साहब ट्वीट देखिए ना, ट्वीट देखिए सीरियल नंबर के साथ। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूं अपने दर्शकों, देखिए शंका, सवाल का मतलब कतई ये नहीं है, शंका तो है। भंसाली साहब एक मिनट, सवाल का मतलब कतई ये नहीं है, दर्शकों को मैं बता दूं कि कोई और या आयोग सवालों से परे है। 17C के हवाले से भूपेश बघेल ने बाकायदा नंबर भेजकर सवाल पूछा है आयोग से। ठीक, अब भंसाली साहब आप पूरा जवाब कर दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल जहां गड़बड़ हुई है वहां सवाल पूछेंगे, शिकायत करेंगे, ये लोकतंत्र में मिला हुआ अधिकार है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को, और उन्होंने बिल्कुल जो गड़बड़ियां हुई है उन गड़बड़ियों से चुनाव आयोग को अवगत भी कराया है। अब देखते हैं आयोग किस तरीके की इसमें आगे कार्रवाई करता है, देखने की बात है। ललित भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, मीडिया, सारी चीज़ों का भरपूर जोर लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई है। ये नारा लगा रहे थे 400 पार, फिर कह रहे थे 370 जो ये कह रहे थे वो 370 धारा हटा जो इन्होंने वहाँ से हटाई उस विषय पर बात कर रहे थे, और जिस जगह की ये बात कर रहे थे वहाँ से इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। अब 400 पार वो गांव में आता है कुर्सी बेचने वाला, वो चिल्लाता है 400 पार, वो बाद में 220 में बेच कर चला जाता है। वही हालत भाजपा की हुई है, बीजेपी बहुमत में नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मोदी के कार्यकाल को जनता ने नकारा है। नितिन कांग्रेस निश्चित तौर पर, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने इस पे गेन किया। आप दिख रहे हैं कि खुद फेल हो जाए तो गम नहीं, दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है अगर वो फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। यहाँ बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, यहाँ आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट, वो बहुमत के आंकड़े से नीचे रह गए, इसी बात पे खुशी मना रहे हैं आप। मलाल इस बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 2 सीटें थी उन्हें बचा नहीं पाए। कुछ देर की अपना कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, इनका वक्त था हमारा दौर आएगा, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। बहुत बेहतरीन बात, 2014 से हम ये देख रहे हैं, चौंकाने चौंकाने वाली चीज होंगी जी, चौंकाने वाली चीजें होंगी। ललित भाई, नितिन पोद्दार जी, पोद्दार जी का रुख कर लेते हैं, ना मुंह छुपा कर जियो ना सर झुका कर जियो, सितमगढ़ की निगाहों में निगाहें मिला कर जियो। सर इसी बात पर, सर एक शेर मैं पढ़ देती हूं, मिला कर जी, उम्र भर ये भी है लड़े भी है और जीत भी। सर सुन लीजिए, उम्र भर मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, इंतजार को ईवीएम कर लेते हैं। खैर, पोद्दार सर हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए,
पोदार सर, सबसे पहले एक रिएक्शन जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है पूरा, फिर एक सवाल रहेगा जी। देखिए ललित जी, बड़ा देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार जनता ने एक ऐसा काम कर दिया। मैं भारत के प्रजातंत्र की ताकत मानता हूं कि सबसे पहले तो ईवीएम की 100% इज्जत बच गई, वरना आज सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत लुटती तो वो ईवीएम थी, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि ना तुम जीते ना हम जीते, ना तुम जीते ना हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। क्योंकि जो पार्टी अभी, आप ये मान के चलिए, जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ये हारे हुए दिखाने की बात की जा रही है, वो आज भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी से 150 सीट फालतू, यानी कि 2.5 गुना सीट उसके पास ज्यादा है। और उसके बावजूद ऐसा एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो इससे ये चीज सब स्पष्ट होती है कि ये चुनाव एक्चुअल में 272 के लिए था ही नहीं, ये चुनाव बहुमत के लिए था ही नहीं, ये चुनाव था 400 सीट के लिए। और 400 सीट नहीं आने पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित रूप से इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लगा है, और उसके अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर, आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से उसकी आशा